हे गाइस, शेप अप नाउ टू योर वाओ। आज हम देखेंगे व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप न्यूट्रिशन वाइज देखें तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। हम अगर 30 ग्राम्स अनकुक्ड व्हाइट राइस लेते हैं तो इसमें आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 110 कैलोरीज होते हैं और ब्राउन राइस में 107 कैलोरीज होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोफाइल देखोगे तो व्हाइट राइस 24 ग्राम्स देता है और ये 22 ग्राम्स देता है। प्रोटीन व्हाइट राइस आपको देता है 2 ग्राम्स और ये आपको देता है 2.3 ग्राम्स। अब डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस आता है जब हम इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे ब्राउन राइस कम प्रोसेस किया जाता है, इसकी वजह से जब हम इसको व्हाइट राइस के विटामिन और मिनरल कंटेंट में कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा होता है और फाइबर कंटेंट ही आपको बहुत अच्छा देता है। अप्रॉक्स 1.8 ग्राम फाइबर्स आपको सिर्फ 30 ग्राम अनकुक्ड ब्राउन राइस दे देता है। और उसके बाद आप विटामिन्स की बात करोगे तो दोनों में B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B9 है, ऑब्वियसली ब्राउन राइस में थोड़ा ज़्यादा। मिनरल्स की बात करते हैं तो मैंगनीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस अच्छे कंटेंट में होता है ब्राउन राइस में एज कम्पेयर टू द वाइट राइस। अब ब्राउन राइस स्पेसिफिकली किसे खाना चाहिए? अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप प्रेफर कीजिए ब्राउन राइस ओवर वाइट राइस। आप अगर डायबिटिक है तो यू प्रेफर ब्राउन राइस। एंड थर्ड, अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं तो ड्यू टू द हाई फाइबर कंटेंट ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड टिप्स डू सब्सक्राइब एंड फॉलो। टेक केयर, बाय बाय।